हेलो फ्रेंड, आज की तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी से फ्रेश होते हैं और बिना कुछ खाए पिए वो ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, स्कूल्स के लिए भाग जाते हैं। और ये जो ट्रेंड है ये आजकल के नौजवान बच्चों में तो कुछ ज़्यादा तेज़ी से ही बढ़ता जा रहा। वो काम का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उन्हें खाना पीना भी याद नहीं रहता। तो इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे गार्जियंस हैं, वो कहते थे कि भाई खाली पेट नहीं रहना चाहिए, खाली पेट रहने से गैस ज़्यादा बनती है। तो वो ऐसा क्यों कहते थे, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल्स में बात करूँगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूज़फुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। खाली पेट गैस क्यों ज़्यादा बनती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जानना पड़ेगा। और जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, तो जब भी आप कुछ भी खाते हो तो सबसे पहले क्या है, खाना आप अपने मुंह में लेते हो, तो मुंह में जो आपके ये दांत होते हैं, टीथ होते हैं, ये उनको काटते फाड़ते हैं। मुंह में आपके दांत के अलावा एक और चीज़ होती है जो एक बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके डाइजेशन में, और इस चीज़ को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और नॉर्थ इंडिया में बोले तो इनको लार वाली ग्रंथियां बोली जाती है। तो ये जब आप खाना मुंह में लेते हो, उसको काटते फाड़ते हो अपने दांतों से, तो उस समय जो ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवा जो है रिलीज करती हैं, यानी कि लार रिलीज करती हैं। और ये लार क्या होता है, आपके खाने के साथ में मिल जाता है, और इस लार में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि आप जो चीज़ खाते पीते हो उसको पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब ये खाना आपके मुंह से होता हुआ जाता है ईसोफेगस, जिसको की फूड पाइप कहते हैं, और ये फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंच जाता है। जनरली हम अपने जो ये पूरा पेट है इसको स्टमक समझते हैं, पर साइंस में इस पूरे पेट को स्टमक नहीं बोलते। स्टमक एक अलग छोटा सा हिस्सा होता है, और ये जो ज़्यादातर हमें अपना पेट दिखाई देता है ये आंत वाला यानी इंटेस्टाइन वाला हिस्सा होता है। अब जब खाना आपके ईसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में ये 1 से लेकर 2 घंटे तक वहीं पर रुक जाता है। और जो स्टमक होता है वो हमेशा एक एसिड निकालता रहता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और इसको स्टमक एसिड भी बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पीएच जो होता है वो 3 के आसपास होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। आप ऐसे समझिए कि अगर इस एसिड को अगर आपके स्किन पे डाल दिया जाए तो आपकी स्किन जल जाएगी, यानी कि ये इतना तेज होता है। तो जब आपका स्टमक जो है स्टमक एसिड निकालता है, तो ये आपके जो खाना है खाने को ये एकदम छोटे छोटे महीन टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। उसके बाद फिर ये आगे जाता है धीरे धीरे करके, फिर ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच जाता है। लेकिन उसके पहले भी लीवर है, पैनक्रियाज है, वो भी कुछ एंजाइम छोड़ते हैं, और ये एंजाइम भी उसी खाने के साथ में मिल जाता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती हैं, और जो बेकार चीज़ें होती है बॉडी के लिए ठीक नहीं होती, टॉक्सिन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी से स्टूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जब आप खाली पेट रहते हो, यानी सुबह बड़ी जल्दी निकल जाते हो और काफ़ी लंबे समय तक फिर आप कुछ भी नहीं खाते, लंच होता है तब जाके कुछ खाते हो, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह तो खा के निकलते हैं लेकिन फिर वो काफ़ी ज़्यादा गैप करते हैं अपना दूसरा मील लेने में, दोबारा खाना खाने में। इन दोनों कंडीशन में एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है कि इन दोनों कंडीशंस में व्यक्ति को गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगी, यानी उसमें पेट में लगेगा गुड़गुड़ाहट सी हो रही है। तो ऐसा होता क्यों है, अब आप समझिए कि जब आप खाली पेट रहते हो, सुबह बिना कुछ खाए निकल जाते हो, तो इस केस में क्या हुआ कि आपका जो स्टमक है, स्टमक जो है वो स्टमक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो निकाल ही रहा है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका अमाउंट जब स्टमक में ज्यादा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा गैस बनेगी और आपको ज्यादा ब्लोटिंग होगी और आपको जलन काफ़ी ज़्यादा भी होगी, और कभी कभी इतनी तेज़ दर्द होता है कि आपको लगता है कि मेरे सर में भी काफ़ी तेज ज़्यादा तेज़ दर्द है। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि अगर आपने एक मील से दूसरे मील में बहुत ज़्यादा गैप रखा, तो जैसा मैंने पहले ही बताया था जब आप कुछ खाते हो तो वो आपके मुंह से होते हुए ईसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में खाना पहुंच जाता है। स्टमक में ये रहता कितना है, 1 से लेकर 2 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपने 2 घंटे से ज़्यादा का गैप कर दिया तो उसमें क्या होगा, खाना तो चला गया इंटेस्टाइन में, आपका स्टमक हो गया खाली, पर स्टमक जो है वो स्टमक एसिड रिलीज ही कर रहा है।
तो इस केस में भी आपके स्टमक में स्टमक एसिड यानी HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ज़्यादा गैस बननी शुरू होगी, फिर आपको गुड़गुड़ाहट सी लगती है और आपको ब्लोटिंग सी होती है और आपको फिर दर्द भी होता है। अब ये जो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई, दोनों ही चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा, यानी कि ये चीज़ें बंद करनी होगी। अगर आप सुबह जल्दी निकल रहे हो तो आप कोशिश करो कुछ ना कुछ खा पी के निकलो, और आप एक चीज और करो कि आप एक मील से दूसरे मील के बीच में बहुत ज्यादा गैप मत करो, आप एक घंटे दो घंटे के बीच में कुछ भी थोड़ा बहुत खाते रहिए। अगर ये आपका हमेशा का रूटीन है कि आप जो है सुबह कुछ खा पी के नहीं निकलते हो, या आप एक मील से दूसरे मील के बीच में काफी ज्यादा गैप रखते हो, तो इन दोनों कंडीशंस में स्टमक जो है वो स्टमक एसिड जो है ज्यादा रिलीज करेगा, और अगर ज़्यादा स्टमक एसिड आपके स्टमक में बना रह जाता है तो फिर ये आपकी जो इनर वॉल है स्टमक का उसको डैमेज करना शुरू कर देगी, फिर धीरे धीरे करके ये आपको आपको स्टमक अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपको एक बार स्टमक अल्सर हो जाएगा तो फिर आपको बहुत सारी परेशानियां होगी, आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाना शुरू कर दोगे। अगर एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर आपको अपना स्टमक एसिड कम करना है और आपको अपने गैस की प्रॉब्लम को कम करनी है, और तो आप जो है अगर सुबह आपको खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तो ऐसे में आप पानी पी सकते हैं। पानी क्या होगा, आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और आप अगर लंबा गैप भी कर रहे हैं खाने पीने के बीच में, उस बीच आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो भी जो है स्टमक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होगा, तो एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी मेडिसिन्स चलती है, तो मेडिसिन्स की वजह से भी गैस बनती है, तो ऐसे लोगों को जिनको बहुत सारी मेडिसिन्स चलती है उनको साथ में गैस की गोलियां भी दी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस PPI मेडिसिन्स होती है, यानी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। अगर इसमें मैं कुछ फेमस दवाओं की बात करूँ तो इसमें पेंटोप्राजोल जो है साल्ट में बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, जिसमें पेंटॉप डी एस आर इस तरह से दवाइयाँ आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या PPI में और भी साल्ट होते हैं जैसे रेबिप्राजोल, तो रेबिप्राजोल में अगर फेमस ब्रांड की बात करें तो रेबीमैक DSR, इसके अलावा ओमिप्राजोल भी PPI की ही कैटेगरी में आता है, तो ओमिप्राजोल में अगर मेडिसिन की बात करें तो OMEZ-D, या फिर ओमिप्राजोल में और भी बहुत सारी मेडिसिन्स आती है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस ब्रांड है रैनिटिडीन, जो कि एसीलॉक नाम से आता है, तो एसीलॉक का भी जमानों से यूज़ किया जा रहा है स्टमक एसिड के रिलीज को कम करने के लिए। तो ये तो खैर उनके लिए बात हो गई जिनको बहुत सारी मेडिसिन्स चलती है, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं और आपको भी इस तरह गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये चीज़ें अवॉइड करके अपने गैस जो आपके शरीर में गैस बन रही है उसको कम कर सकते हैं या पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।